अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई प्रॉन्स करी। ये एक बर्मिश डिश है। बर्मा में इसको नप्पी बोलते हैं। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, साइड डिश के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं, और चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ये 3 टेबलस्पून जितने ड्राई प्रॉन्स हैं। ये मैंने कोसरी चॉप कर लिए हैं और इसको 1 टीस्पून जितने ऑयल के अंदर थोड़े थोड़े फ्राई कर लिए ताकि थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। ये है इमली का पल्प। ये अभी मैंने लिया हुआ है 2.5 टेबलस्पून जितना, बट मुझे जितना चाहिए होगा मैं डालूँगी, जितना खट्टा। सो ये जस्ट मैंने अभी 2.5 टेबलस्पून जितना निकाला हुआ है। ये एक टमाटो है चंक्स में कटा हुआ, 1/2 अनियन इस तरह से कटा हुआ है थोड़ा मोटे चंक्स में, 3 ग्रीन चिलीज ये भी बहुत मोटी हुई कटी हुई है रफली चॉप है, हैंडफुल ऑफ धनिया, ये 1/2 इंच का अदरक का पीस और 2 क्लोव ऑफ जिंजर को मैंने मिक्स क्रोसली चॉप किया हुआ है हाथ से, 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून पौना टी स्पून लाल मिर्चे और 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा होगा हमारा थोड़ा और इसके साथ ही हम डालेंगे अनियन। अनियन हमारा थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे ये अदरक लहसुन। बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है अदरक लहसुन को, ये खुद ब खुद इसके अंदर पकेगा। ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मोटा मोटा है। ये हो गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे मिर्चे और टमाटर। टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर मिक्स करके मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ढक दूंगी। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए इसलिए, और फ्लेम भी थोड़ी स्लो कर रही हूँ। टमाटर हमारे थोड़े से हो गए सॉफ्ट, अब हम इसके अंदर सीजनिंग डालेंगे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। एक मिनट तक मसाला भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे ये जो रोस्टेड प्रॉन्स है ड्राई, वो श्रिम्प मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प, मैंने 1 चम्मच जितना डाला है। अब मैं वापस इसको थोड़ी देर भूनने के बाद चेक करूंगी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं दूसरा डालूंगी, अदरवाइज नहीं डालूंगी। ये दो मिनट तक इमली डालने के बाद, पकने के बाद अब ये हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, इसको मिक्स करेंगे। अब इसको दम पे रख देंगे मजीद 1 मिनट तक और फिर हम इसको सर्व करते हैं। ये हमारा रेडी है। मैंने जो पहले 1 चम्मच जितना इमली का पल्प डाला था वही डाला है, बाकी मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे इतनी खटाई ओके है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये हमारी ड्राई प्रॉन्स करी या ड्राई प्रॉन्स मिक्स रेडी। ये आप चावल रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, एज ए साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं खानों के साथ। आई होप आप ट्राई करें और पसंद आई, और ये बहुत यमी बनी हुई है।